आज बात करते हैं करंट डिवीजन लॉ की। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो टोटल करंट I1 और I2 में डिवाइड हो जाता है। I1 हो जाएगा R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, I2 हो जाएगा R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ट्रिक है टोटल करंट को दो हिस्से में डिवाइड करो, एक हिस्से से ऊपर में गुणा करो, एक हिस्से से नीचे में गुणा करो। और ध्यान रहे गुणा करने पे जो वैल्यू आए ऊपर और नीचे वो बराबर आनी चाहिए। जैसे हम 6 को 3 और 3 में डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 3 2 6, 12 और 6 बराबर नहीं आ रहे, यानी ये गलत डिवीजन है। अब इसको हम 4 और 2 में डिवाइड कर लेते हैं। 2 को ऊपर 4 से गुणा करेंगे, 4 2 8 आ जाएगा। अब नीचे 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो यानी 4 2 8 आ जाएगा, यानी कि ऊपर करंट हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर और नीचे का करंट हो जाएगा हमारा 4 एम्पियर। और इस वाले का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।